शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पॉर्न रैकेट केस में बीती रात मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पॉर्न फिल्म मेकिंग मामले में क्राइम ब्रांच ने रायन जॉन थार्प नाम के एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उनका राज कुंद्रा से संबंध है। राज कुंद्रा और रायन जॉन थार्प की गिरफ्तारी के बाद वीडियो के जरिए गहना वशिष्ठ ने काफी कुछ कहा है। हाय, मैं गहना वशिष्ठ। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च्ड और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज़ में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं, जिन्हें फ़र्क समझ में आता होगा कि पॉर्न और एरोटिका में क्या फ़र्क होता है। कवर देखकर या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे, तो वो उसका मेकर है या वो पॉर्न है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है, ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। और इस कंफ्यूजन की वजह से कि नॉर्मल वीडियोस को जो पॉर्न बता बता करके इतना बड़ा केस बनाया गया है, उसकी वजह से आई वॉज इन साइड फॉर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। एंड उसके बाद जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैं बीमार पड़ गई हूँ, मेरे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, मेरे फ़ोन्स उठा के ले गए हैं, मेरे लैपटॉप लेके चले गए हैं। मैं ही जानती हूँ मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। एंड इट्स बिन 6 मंथ्स नाउ, मैं लाइफ जीना भूल गई हूँ, मेरी पूरी लाइफ को मैनिपुलेट करके रख दिया गया है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चीज़ों को मैनिपुलेट ना किया जाए, जो है सच दिखाया जाए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोज वीडियोज़ आर जस्ट एडल्ट वीडियोज़, एरोटिका कोई भी पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आते हैं। वीडियो में गहना वशिष्ठ एरोटिक और पॉर्न वीडियोस के बीच का अंतर बता रही हैं और लोगों से विनती कर रही हैं कि एरोटिक और पॉर्न के बीच में फ़र्क समझिए। बता दें कि पॉर्न वीडियो शूट मामले में गंदी बात एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 5 महीने बाद 19 जून को काफ़ी सीरियस बीमार पड़ने के बाद उन्हें भायखला जेल से बेल पर रिहा किया गया। जब वे जेल में थी तब भी उन्हें दौरा पड़ा था और फिर जेल अथॉरिटीज़ द्वारा सर जे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। गहना वशिष्ठ की कई बार तबीयत खराब हो चुकी है, वे डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस संबंधी बीमारियों से जूझ रही हैं। साल 2019 में एक वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान गहना वशिष्ठ स्ट्रोक और कम ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हो गई थी। तब उनकी नब्स को रिवाइव करने में 2 घंटे लग गए थे और इलेक्ट्रिक शॉक तक देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।